हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम 2024 के बारे में। यानी कि दोस्तों, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में, उसमें कुल कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है अपियर हुए हैं, और दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट वाइज है क्या कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं जो है आपको वो लिस्ट बता देता हूँ कि कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर सभी जो विषय हैं उनका यहां पर आवेदनों की संख्या बताई गई है, और उनमें कुल कितने जो पद आए थे वो भी यहां पर बताया गया है। साथ में उनकी एग्ज़ाम डेट है, यानी कि दोस्तों ये एग्ज़ाम हो चुके हैं। और दोस्तों, इनके पदों की संख्या के साथ में यहां पर जो आवेदनों की संख्या है उससे आप यहां पर मिला के देख सकते हो कि एक पद पर कितना यहां पर कॉम्पिटिशन था। लेकिन दोस्तों, ये तो है प्राप्त आवेदनों की संख्या। लेकिन दोस्तों, अब जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठे हैं वो संख्या मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि दोस्तों इनसे भी काफ़ी कम जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग है, उसमें लगभग 35 यहाँ पर पोस्टें हैं, और इसमें 1615 यहाँ पर आवेदन मिले थे। और इसी तरह दोस्तों, आप उर्दू में देख सकते हो कि 24 यहाँ पर पोस्ट हैं, और इसमें जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो हुए थे दोस्तों 1468 आवेदन। तो दोस्तों, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1615 आवेदन है और उर्दू में 1468 आवेदन है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, लेकिन इन दोनों का मैं आपको यहाँ पर जो है एक बार दूसरी जो कटिंग है मेरे पास उसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये भी आपने कटिंग देख ली होगी, अखबार की कटिंग है। अब दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है उसमें 1581 जो फोरम है वही यहाँ पर बचे थे, यानी कि 1615 में से 1581। तो दोस्तों, ये जो ऊपर के जो फोरम बचे हुए हैं वो फोरम यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने वापस ले लिए थे, और दोस्तों कुछ के यहाँ पर जो है कैंसिल हो गए थे। तो लगभग 1581 जो फोरम है वही बचे थे, यानी कि 1581 कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल थे और उन्हीं का फोरम एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एक अचंभे की बात है कि यहाँ पर जो उपस्थिति है, आप साफ साफ देख सकते हो कि लगभग 680 कैंडिडेट की ही पूरे एग्ज़ाम में यहाँ पर उपस्थिति रही है। तो दोस्तों, आप यह मत सोचना कि यहाँ पर जो 680 जो कैंडिडेट है वो एक ही शहर में बैठे थे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो दो शहरों में हुआ था, जयपुर और अजमेर में। तो दोस्तों, ये दोनों की यहाँ पर संख्या बताई गई है। आप इनको सभी को वो जो मैंने पहले लिस्ट दिखाई है उससे आप कंपैरिजन करके देख सकते हो उनकी जो कुल फॉर्मों की संख्या है, और यहाँ पर जो कुल बचे हुए हैं उनको आप मिला के देख सकते हो। इसमें काफ़ी अंतर है, और दोस्तों इसमें जो अंतर आया है उसके बाद में भी जो अभी की उपस्थिति रह रही है उसमें भी यहाँ पर अंतर आया है। इसी तरह दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको उर्दू का बताया था, तो दोस्तों यहाँ पर 1400 के करीब उर्दू के फॉर्म थे, तो दोस्तों यहाँ पर 700 ही फॉर्म बचे थे। बाकी के जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था, और जो 254 कैंडिडेट है वो ही यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाए हैं। इसी तरह राजस्थानी में यहाँ पर 700 ही फॉर्म बचे थे, जिसमें से 254 जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, जो राजस्थानी है, राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसकी जो संख्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यानी कि 700 कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल थे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 719 राजस्थानी में कितने हैं, 719 ही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे थे, उनमें से 19 कैंडिडेट ने फॉर्म वापस ले लिया या फिर उनका रद्द हो गया था। 700 यहाँ पर टोटल संख्या थी, और उनके ही मध्य यहाँ पर जो है अपना कॉम्पिटिशन है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, अब की बार जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी कम जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर जो आर्ट एजुकेशन है, यानी कि जो चित्रकला है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, उससे संबंधित यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो वीडियोज़ है, यानी कि एमसीक्यू की जो पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वो यहाँ पर बताई जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान और जो केंद्र लेवल की जितनी भी भर्तियाँ हैं उनकी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।